हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज हम यहाँ पे कॉलर वाली नेक किस तरह से कट कर सकते हैं वो डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जिस तरह से हम कुर्ती रेडी करते हैं, सेम उसी तरह से हमें ये कुर्ती रेडी कर लेनी है। और साइड में ये हमने बटन पट्टी लगाई है, तो ये बटन पट्टी हमें छोड़नी है। तो यहाँ पर हम ये बटन पट्टी को छोड़ देंगे और गोलाई में पूरी जो नेक है हमारी उसे हम मेजर करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से हमें पूरी गोलाई में ये नेक को मेजर करना है। तो यहाँ पे जो राउंड में हमारी नेक की लेंथ है वो 13.5 इंच है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दो स्ट्रिप लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये दो स्ट्रिप ली है, आप देख सकते हो। तो जो स्ट्रिप की लेंथ है हमारी वो हमें एक्स्ट्रा लेनी है, 14.5 इंच लेनी है। और इसकी जो विड्थ है हमारी वो हमें 3.5 इंच लेनी है। और इस तरह से हम इसे डबल में फोल्ड कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारी नेक की लेंथ थी वो 13.5 इंच थी, तो यहाँ पे हमें 14 इंच लेना है। और इस तरह से इसे क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है। और साथ में हम क्या करेंगे कि इस तरह से क्रॉस में ही इसे कट भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे क्रॉस में कट कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी एक्स्ट्रा है हमारी 13.5 इंच से। अब हम यहाँ पे इसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और इस तरह से पूरे इसमें हमें ये सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके जो कॉर्नर है इसे हम कट कर लेंगे। तो कॉर्नर कट करने से क्या होता है कि जो हमारी कॉलर है वो हमारी आसानी के साथ में टर्न हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये कॉलर को पलट दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी मेन वाली कुर्ती है इसमें हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये बटन पट्टी वाला पोर्शन हम छोड़ देंगे और यहाँ से पूरी गोलाई में हमें राउंड में दोनों भी पट्टियों को इस तरह से अटैच कर लेना है। तो ये देख लीजिए, ये बराबर आ रही है हमारी यहाँ तक। चलिए मैं आपको मशीन पे बताती हूँ। तो देख लीजिए, इतना पोर्शन हमें छोड़ देना है यहाँ पे। ये पोर्शन छोड़ने के बाद में हम दोनों पट्टियों को यहाँ से अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों को बराबर से पकड़ना है हमें मिलाते हुए, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो आप जो हम नीचे वाला पोर्शन है हमारे कुर्ती का उसे थोड़ा सा बराबर से सेट करके उस पर सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो हमारी नेक है ये बराबर से हमारी एकदम परफेक्ट साइज़ के साथ में आ गई है। तो इस तरह से हमें पहले ये अटैच कर लेना है। ये एकदम आसान तरीका है कॉलर जॉइन करने का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक सीधी इस तरह से एक पट्टी लेंगे और ये जो हमारा पार्ट है जो ओपन है उसको फिनिशिंग देने के लिए हम यहाँ पर ये पट्टी अटैच करेंगे। तो सबसे पहले इस पट्टी को ऐसा सीधा बराबर से रखना है और इसके ऊपर सिंपली हमें सिलाई लगा देनी है। जिस तरह से हम पाइपिंग के लिए पट्टी लगाते हैं सेम उसी तरह से। तो इसके बाद हम एक्स्ट्रा पोर्शन कट कर देंगे और ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे में हमें इसे बराबर से पकड़ना है और इसके ऊपर ये फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने ये कितनी आसानी के साथ में कॉलर रेडी की है। इस तरह से ये हमारी कॉलर का शेप आ जाएगा। तो देख लीजिए, ये हमारी कॉलर बनकर तैयार है। अगर आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम इसी तरह की वीडियोस हमारे इस चैनल पर डालते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जाकर आप ये वीडियो डिटेल में देख सकते हो।